द लोकल न्यूज़ पर क्राइम स्टोरीज दिखाने का मकसद किसी अपराध या अपराधियों को बढ़ावा देने का नहीं है, बल्कि हम उनके साथ होने वाले गंदे बर्ताव और उनकी गंदी ज़िंदगी और उनके परिवार ने जो परेशानियां झेली हैं और वर्तमान में जो उनकी परिस्थितियां कितनी गंदी हैं वो सब दिखाकर हम युवा वर्ग को संदेश देना चाहते हैं कि वो अपराध की दुनिया में कदम ना रखें, उसका अपराध की दुनिया का अंजाम बुरा होता है। गैंगस्टर एक ऐसा शब्द जिसको सुनते ही खौफ महसूस होता है। इन खतरनाक गैंगस्टरों को सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए पुलिस के भी पसीने छूट जाते हैं, पर जेल की सलाखें भी इनके लिए कमजोर साबित होती हैं। ये खतरनाक गैंगस्टर जहां जेल की सलाखें तोड़कर फरार हो जाते हैं, वहीं कुछ गैंगस्टर जेल में रहते हुए भी लोगों के लिए मौत का पैगाम लिखते रहते हैं, यानी कि जेल से ही हत्याओं को अंजाम दिलवाते रहते हैं। हरियाणा का कैथल जिला जो अपराध की राजधानी बन चुका है, कैथल और जींद जिले के गैंगस्टरों की दहशत हरियाणा ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों तक भी है। इन्हीं में से एक नाम है कैथल जिले के गैंगस्टर विजय खेड़ी शेरखा का। खेड़ी शेरखा का ये गैंगस्टर विजय आखिर कौन है, क्यों इसकी गिनती खतरनाक गैंगस्टरों में होती है, इसी जवाब को तलाशने के लिए हमने गैंगस्टर विजय के गांव खेड़ी शेरखा पहुंचने का फैसला लिया। हम विजय के किसी करीबी के जरिए उसके गांव खेड़ी शेरखा पहुंचे और गैंगस्टर विजय के पिताजी से बात की। विजय के पिता रामकिशन जो 1994 में गांव के सरपंच रह चुके थे, गैंगस्टर विजय के पिता रामकिशन ने हमसे बात करने की हामी भर दी। इसके पिता रामकिशन मोहन ने बताया कि विजय पढ़ाई में बहुत होशियार था और बीएससी पास आउट है। गवर्नमेंट कॉलेज जींद में पढ़ते हुए उस पर वर्ष 2001 में मिर्चपुर गांव के एक लड़के की हत्या के प्रयास में मुकदमा दर्ज हुआ। जेल गया और जमानत पर बाहर आने के बाद मिर्चपुर वालों ने विजय पर तलवारों से हमला कर दिया। उस समय कॉलेज स्टूडेंट्स के बसों के रूट के हिसाब से ग्रुप बने होते थे। हालांकि क्रॉस केस होने के कारण दोनों पक्षों में समझौता हो गया। बाद में गैंगस्टर विजय जींद के कॉलेज के हॉस्टल में रहने लगा और बीमार हो गया। उसने बीमार होने के कारण मैस के संचालक को उसके कमरे में रोटी पहुंचाने को कहा तो संचालक ने मना कर दिया, तो विजय ने उस पर हॉकियों से हमला कर दिया तो दूसरा मुकदमा दर्ज हो गया। वर्ष 2003 में विजय ने वीरेंद्र काणा मांडी आदि के साथ मिलकर कुरुक्षेत्र के तेवा थाने में लगने वाले स्योसर गांव के पास एक मील व्यापारी से 25 लाख रुपयों की लूट की योजना तैयार की, लेकिन गाड़ी खराब होने की वजह से यह डकैती सफल नहीं हो पाई और अजनबी लड़कों को देखकर गांव वालों को शक हुआ और पुलिस आने से पहले ये गैंग स्योसर जंगल में छिपा और फरार हो गए। इसके बाद वर्ष 2004 में विजय के दोस्त कुंती की बहन की शादी थी तो कुंती ने अपने आड़ती से बहन की शादी के लिए पैसे मांगे और आड़ती ने अपशब्दों के साथ पैसे देने से मना कर दिया। यह बात कुंती धनौदा नामक व्यक्ति ने अपने दोस्त गैंगस्टर विजय को बताई तो विजय, कुंती, धनौदा और देवेंद्र चावला ने मिलकर नरवाणा के आड़ती को दिन दिहाड़े गोलियों से भून डाला। पुलिस ने उक्त अपराधियों को गिरफ्तार किया। ठीक 2 साल बाद यानी कि वर्ष 2006 में गैंगस्टर विजय जमानत पर आया और वर्ष 2008 का पहला दिन 1 जनवरी 2008 को गैंगस्टर विजय ने अपने दोस्त वीरेंद्र काणा मांडी, काला बागड़ा आदि के साथ मिलकर अंबाला जिले के नारायणगढ़ कस्बे के व्यापारी का अपहरण करके 1 करोड़ की फिरौती मांगकर सनसनी फैला दी। पुलिस ने मौके से व्यापारी को छुड़वा लिया व 3 अन्य गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि गैंगस्टर विजय और गैंगस्टर वीरेंद्र काणा मांडी फरार थे जिन्हें बाद में अरेस्ट किया गया। आपको बता दें कि 2008 से पहले गैंगस्टर विजय का भाई अजय साधारण छात्र था। विजय का क्राइम और विजय की क्रिमिनल लाइफ उसको पसंद नहीं थी, जबकि लोगों में झूठी धारणा है कि अपने भाई विजय को अजय ने अपराधी बनने पर मजबूर किया।
या अजय की वजह से विजय गैंगस्टर क्रिमिनल बना। लेकिन गैंगस्टर के पिता रामकिशन ने बताया कि अजय कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में पढ़ता था और उसका क्राइम तो छोड़ो, 2008 से पहले वह लड़ाई झगड़ों से भी उसका कोई वास्ता नहीं था। 2008 में जो विजय गैंग द्वारा नील व्यापारी का अपहरण किया गया, उसमें पुलिस द्वारा अजय को अरेस्ट करके विजय पर पेश होने का दबाव बनाया। जब इसका पता विजय को लगा तो उसने अपने भाई को अवैध हिरासत में रखने के खिलाफ कोर्ट से पुलिस स्टेशन पर रेड लगवाई। पुलिस वालों को इसकी भनक लग गई और आनन फानन में पुलिस द्वारा विजय के भाई अजय पर झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया गया। वहीं विजय को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 2 साल बाद वर्ष 2010 में कुख्यात गैंगस्टर विजय जमानत पर बाहर आया। अपनी राजनीतिक इच्छा को पूरा करने के लिए वर्ष 2010 में जमानत पर बाहर आने के बाद गैंगस्टर विजय खेड़ी सेरखा ने जिला परिषद का चुनाव लड़ा और भारी बहुमत से गैंगस्टर विजय जिला पार्षद बन गया। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसकी अपने विरोधी गैंगस्टर किठाना वासी सतवीर उर्फ झब्बल के साथ दुश्मनी बढ़ती जा रही थी, वो भी एक मामूली प्रेम कहानी की वजह से। वर्ष 2011 में विजय गैंग द्वारा अपने विरोधी गैंग के काला रामरा पर टेंडर विवाद के चलते गोलियों की बौछार करवा दी। इसके बाद विजय गैंग की गोलियां खत्म नहीं हुई बल्कि कुरुक्षेत्र में जोगिंदर धमतान का मर्डर किया, कैथल के भैणक गांव में शिवा के सुरेंद्र का मर्डर किया और इसी साल गैंगस्टर विजय के भाई अजय ने वीरेंद्र काणा मांडी के साथ मिलकर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के छात्र नेता वीरेंद्र काकड़ोद को गोलियों से भून डाला। 2011 में गैंगस्टर विजय गिरफ्तार हुआ। लेकिन विजय गैंग के गुर्गों द्वारा मुख्य सरगना के जेल में होते हुए भी प्रदेश के एक दो जिलों को छोड़कर सभी जिलों में हत्या के प्रयास, वसूली, फिरौती, लूट, डकैती आदि संगीन अपराधों को गैंगस्टर विजय के इशारों पर अंजाम दिया जा रहा है। हर दिन अखबारों की सुर्खियों में विजय गैंग की वारदातें छप रही हैं। आपको बता दें, खुद गैंगस्टर विजय पर 70 से भी ज्यादा मुकदमे प्रदेश के सभी जिलों में चल रहे हैं। खुद गैंगस्टर विजय पर 20 के लगभग मर्डर, 10 से ज्यादा हत्या के प्रयास के मुकदमे दर्ज हैं और हैरानी की बात है कि विजय गैंग के 300 से भी ज्यादा गुर्गे गिरफ्तार किए जा चुके हैं और हरियाणा में सबसे ज्यादा अवैध हथियार इस गैंग के गुर्गों से पुलिस रिकवर कर चुकी है और खुद ये गैंगस्टर यमुनानगर जेल में सजा भुगत रहा है और अपने 3 मुकदमों में उम्र कैद की सजा हो चुकी है और अन्य मामले विचाराधीन हैं। अभी हाल फिलहाल 1 महीने पहले ही गैंग प्रमुख के भाई अजय को 3 साल बाद पंजाब पुलिस द्वारा पंजाब से अरेस्ट किया गया है, जो कि 3 साल से पैरोल जंप करके फरार था। गैंगस्टर विजय और गैंगस्टर अजय के पिता पूर्व में सरपंच रहे बीकॉम पास रामकिशन जी से द लोकल न्यूज ने बात की, आइए देखते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कुख्यात गैंगस्टर विजय खेड़ी सेरखा के पिताजी श्री रामकिशन मोहन जी, जो कि बीकॉम पास आउट हैं और 1994 में खेड़ी सेरखा गांव के सरपंच बने थे। जी नमस्कार, स्वागत है आपका द लोकल न्यूज में। नमस्कार, हम ये जानना चाहेंगे कि आपका बेटा जो है वो पूरे हरियाणा के कुख्यात जो बड़े मोस्ट वांटेड जो गैंगस्टर होते हैं उनमें उसका नाम शुमार है, तो जब विजय ने पहली बार जो है अपराध किया या मुकदमा उस पर दर्ज हुआ, उसके बाद जमानत पर वो आया, तो क्या आपने समझाने का कितना प्रयास किया? बहुत किया जी, लेकिन नहीं माना। क्या तो कहता था कि आपने समझाया तो क्या कहता था? अपने दोस्तों के साथ हूँ मैं, उन पर कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो जाए। नहीं, वो बहुत इंटेलिजेंट भी रहे हैं, बीएससी भी उसने की हुई है, तो मतलब असर नहीं हुआ? नहीं जी, कोई असर नहीं हुआ। इस दौरान लगातार, अभी तो लगातार 9 साल से आपके बेटे जो हैं जेल में बंद हैं और अभी 10-15 दिन पहले भी आपके जो छोटे बेटे हैं अजय वो भी गिरफ्तार हुए हैं पंजाब से। अजय और विजय गैंग के नाम से फेमस उनका हरियाणा में जो है गैंग है, तो कैसे, क्या किन क्या क्या परेशानी होती है कि घर में आपके 3 लड़के हैं, 1 की डेथ हो चुकी है, 2 जिंदा हैं, दोनों जेल में हैं, मतलब क्या परेशानियां? क्या परेशानियां का तो घट्टा ही नहीं जी, इतनी परेशानी है।
बहुत ज्यादा परेशानी। आपको सारी कोर्ट प्रोसीडिंग्स में आना जाना पड़ता है, पैसे लगते हैं, टाइम लगता है, और बच्चे जबकि साथ नहीं है, बहुत बहुत पैसा बर्बाद हो लिया। आजकल के खर्चे भी बहुत ज्यादा कर रहे हैं, उनसे भी परेशान हूँ। दूसरे लड़कियों का जो कर साथ में रहा है कुछ जेल में, उनका खर्चा भी मैंने देना पड़े, परेशानी बहुत हो रही। तो जैसे आप गांव के सरपंच भी रह चुके हैं, 1994 की योजना में आप गांव के सरपंच बने थे, और हमें लोगों ने बताया कि काफी समाज सेवी भी हैं, और पंचायतों में भी पंचायती के तौर पे जो है आप लगातार पंचायतों में जाते रहते हैं। बड़ी बड़ी तो ऐसे में आज के लड़के जो हैं वो अपराध को, अपराध की दुनिया से चकाचौंध होकर गैंगस्टर बनना चाहते हैं, या फिर वो गैंगस्टर से प्रभावित होकर जुर्म की दुनिया का रास्ता पकड़ना चाहते हैं, उन लड़कों को आप क्या संदेश देना चाहोगे? क्योंकि आपके बेटे तो एक नहीं दो दो बेटे तो यही संदेश देना चाहूँगा जी, अपराध का दौर है तो लगना दूर है, अपराधियाँ दौर भी लगना चाहिए। हम तो खुद क्योंकि ये जो दर्द है, जो तकलीफ है, जो परेशानी है, वो शायद आपसे ज्यादा हम नहीं समझ पाएंगे, अन्य नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि आपने तो लगातार जो है इन परेशानियों का सामना किया है। हाँ जी जी, बहुत ज्यादा परेशानी है। तो हमारे साथ थे रामकिशन मौन जी, जो कि गैंगस्टर विजय और गैंगस्टर अजय के जो पिताजी हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद द लोकल न्यूज से बात करने के लिए। अगर आप यह वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। फिर एक नई स्टोरी के साथ आपसे मिलूंगा, मुझे दीजिए इजाजत, मैं आपका सुधीर जाखड़।